नमस्कार दोस्तों, नेचर इंडिया स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मछलियों के चारे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों ठंडी का मौसम है, ऐसे में मछलियां पानी के सबसे निचले भाग में होती हैं और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम दिन भर हुक्स लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन मछलियाँ हम नहीं पकड़ पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे चारे के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा हम मछलियों को आकर्षित करके कम समय में ज़्यादा मछलियों को पकड़ सकते हैं, वो भी ठंडी के समय में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन सा चारा बनाया जाए और किस तरह से मछलियों को पकड़ा जाए। तो आज हम आपको प्रैक्टिकली चारा बनाकर दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हम इस चारे की सहायता से रोहू ग्रास जैसी बड़ी मछलियों को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें कुछ इस तरह का एक पॉट ले लेना है। सुविधा अनुसार आप किसी भी पॉट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक पार्ले जी का पैकेट। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पार्ले जी से चारा बनाने वाले हैं जिसकी सहायता से हम मछलियों को पकड़ेंगे। सबसे पहले हम इसे खोलकर इसमें से दो बिस्किट निकाल लेते हैं। दोस्तों, बिस्किट पहले से ही टूटे हुए हैं, तो चलिए हम इस टूटे हुए बिस्किट का ही यूज चारा बनाने में करते हैं। इस तरह से हमने दो बिस्किट निकाल लिया है, जैसा कि आपने देखा भी कि हमने इसमें से दो बिस्किट निकाल लिया है। अब इसको हम छोटा छोटा तोड़ लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ लेंगे और दोस्तों इसको तोड़कर हम एकदम से बारीक बना लेंगे। तो चलिए हम जल्दी जल्दी इसको बारीक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसे बारीक बना लिया है, इसमें अब भी कुछ छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं जो आगे के स्टेप्स में ख़त्म हो जाएंगे, वो भी एकदम से महीन हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद हम इसमें गेहूं का आटा ऐड करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम दो बिस्किट का चारा बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें 3 से 4 स्पून आटा ऐड करेंगे। दोस्तों, अगर आप इससे ज़्यादा चारा बना रहे हैं तो आप अपने अनुसार आटा मिक्स कर सकते हैं। इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है कि इसमें कितना आटा मिलाया जाए। क्योंकि दोस्तों जब आटा ज़्यादा होता है तो हम जब इसे हुक्स में लगाते हैं तो वह काफ़ी समय तक पानी के अंदर वैसे बना रहता है, जल्दी हुक्स से निकलकर बाहर नहीं गिरता। इसके बाद दोस्तों हम इसमें हल्दी की थोड़ी मात्रा ऐड करेंगे, जिससे हम जो चारा बना रहे हैं वह चारा आर्टिफिशियल चारे की तरह दिखने लगे। दोस्तों, हल्दी को मिक्स करने के बाद हम तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरह से। दोस्तों, इसको हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम जल्दी जल्दी मिक्स कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसमें हींग वाला पानी डालकर इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। दोस्तों, ये हींग वाला पानी हमें इन सभी प्रक्रियाओं से 30 मिनट पहले ही तैयार करना है। तो चलिए हम बताते हैं कि हींग वाला पानी हम किस तरह से तैयार करेंगे। दोस्तों, हींग वाला पानी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का एक बाउल ले लेना है। इसके बाद हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें पानी ले लेंगे। इसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने हींग का एक छोटा डिब्बा लिया है। दोस्तों, इसमें से हम कुछ हींग की मात्रा निकाल कर इसे पानी में ऐड करेंगे। जैसा कि आप हींग को देख सकते हैं यह किस तरह का होता है। अगर आप हींग के बारे में ना जानते हो तो आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, हींग का प्रयोग हम मछलियों को चारे की तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, इस हींग में से हमें कुछ मात्रा इस पानी में डालकर इसे एक सुरक्षित स्थान पर रख देना है, वो भी 30 मिनट के लिए। दोस्तों, हमने इसमें हींग की थोड़ी मात्रा ऐड कर दी है। अब इसे हम 30 मिनट के लिए एक सुरक्षित स्थान पर रख देंगे, कुछ इस तरह से मिलाकर। तो दोस्तों, इस तरह से हम हींग वाला पानी तैयार करते हैं।
अब हम इस हींग वाले पानी को थोड़ा थोड़ा इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे, कुछ इस तरह से। तो चलिए दोस्तों, हम इसको जल्दी जल्दी गूंद लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है और यह अब मछलियाँ पकड़ने के लिए एकदम से तैयार हो चुका है। इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसमें जो छोटे छोटे बिस्किट के टुकड़े थे वो भी सब खत्म हो गए हैं। और दोस्तों इस चारे की सहायता से आप बड़ी बड़ी मछलियों को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस चारे को हम हुक में भी लगा कर दिखा देते हैं कि इसे हम हुक में किस तरह से लगाते हैं। दोस्तों हुक को आप देख सकते हैं, इसी में हम इसे लगाएंगे। इसके लिए हमें इस चारे से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ लेना है। इसके बाद इसे हम कुछ इस तरह से इसमें लगाएंगे। इसको हम चारों तरफ से अच्छी तरह से लगा देंगे जिससे कि हमारा हुक ना दिखे। दोस्तों इसी तरह से हम इस चारे से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मछलियां आसानी से पकड़ सकते हैं। दोस्तों इसमें हम उन बड़ी मछलियों को भी पकड़ सकते हैं जो ठंडी के समय में पानी के सबसे निचले भाग में होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानने वाले थे कि बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए किस तरह का चारा बनाएं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचने लगें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।